पार्को देवास शाजापुर क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने पोलाई कला मंडल के विभिन्न गांवों का दौरा किया। सांसद सोलंकी ने कोरोना काल में विभिन्न ग्रामों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की तथा शोकाकुल परिवारों को हिम्मत से काम लेने की सलाह दी तथा सावधानी रखने और मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सांसद सोलंकी ने आग्रह किया। दौरे के दौरान ग्राम हरलाई कला में ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रही चोरियों के ऊपर अंकुश लगाने तथा जो चोर पकड़ाए हैं उनका सरगना हुकुम गुर्जर के ऊपर कार्यवाही करने के लिए सांसद जी से गुहार लगाई। तब सांसद सोलंकी ने कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक एवं गृह मंत्री से इस विषय पर बात करूंगा। इस अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील देथल, साथ ही में भाजपा मंडल अध्यक्ष पोलाई कला जीवन आर्य सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं विभिन्न ग्रामों के ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तो आइए, सांसद सोलंकी ने किया पोलाई कला मंडल के गांव का दौरा, तो इसी को जानते हैं शुजालपुर से हमारे संवाददाता रमेश राजपूत जी से। तो रमेश जी, बताएं किस तरीके से सांसद जी के द्वारा गांव का दौरा किया गया है। जी बिल्कुल, जो कोरोना काल में जो दूसरी लहर अभी आई थी जी, उस कोरोना काल में जो दूसरी लहर में जितने गांव में लोगों ने जो जिनकी मृत्यु हुई है या तो वायरल बुखार से हुई है या फिर कोरोना से हुई है, उनके परिजनों से मिलने उनको सांत्वना देने के लिए सांसद जी ने आज जो है पोलाई कला मंडल के जो गांव है कुछ गांवों का दौरा किया है। और हमारे द्वारा बात की गई कि बहुत सारे गांव उनके छूट भी गए हैं, तो उन्होंने बोला कि अगली बार जब भी ये दौरा होगा तब वो बचे हुए गांवों का हम फिर वापस से दौरा करेंगे। इसी के साथ में जो है सांसद जी ने लोगों से मतलब सावधानी रखने के लिए कहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी रमेश जी की सांसद जी द्वारा गाँव का दौरा करना, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? अब ये तो मतलब वो सांसद जी जब आए थे तो उनसे पूछा था, बाकी उनका यही उद्देश्य था कि हम बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ है तो गांव वालों से जो है काफी लोग मतलब उनके इंतजार में भी थे। लगभग माहौल ये था कि बहुत दिनों से सांसद जी आए भी नहीं थे। कुछ गांव तो ऐसे है कि जिनमें सांसद जी जीतने के बाद में पहली बार ही आए होंगे। जी बिल्कुल। रमेश जी, आप जानना चाहूंगी कि इस दौरे के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर भी सांसद जी से चर्चा करी और साथ ही उन्होंने सांसद जी से गुहार भी लगाई है, तो उसको लेकर के सांसद जी द्वारा किस प्रकार से आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है कि शाजापुर जिला जो है इसमें अधिकतर चोरियों की वारदातें हो रही है और मतलब ये हालत यह है कि चोरों को जो है ग्रामीण ही पकड़ रहे हैं, ग्रामीणों ने पकड़ के जो पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो चोर जो जिनका सरगना है, जो मेन चोरों का जो सरगना है उनका नाम भी बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि प्रशासन के द्वारा उस मेन आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है जी। जिसको लेकर के भी लोगों ने जो है गुहार लगाई है कि आप जो है थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को सचेत करें और जो मेन चोरियां करवा रहे हैं, जो मेन हीरो है मतलब इस गलत काम में, उनको पकड़ने का प्रयास प्रशासन करे। जी बिल्कुल। रमेश जी, जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा सरगने का नाम भी बताया गया है कि इनके द्वारा चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई इस ओर नहीं की गई है? पुलिस प्रशासन का यही कहना है, पुलिस प्रशासन से हमने जानकारी ली थी तो उनका भी यही कहना है कि हमारे द्वारा कार्रवाई जारी है, जैसे ही वो चोर पकड़ में आएगा हम बिल्कुल पकड़ेंगे, बाकी का दो तीन चोरों को तो हमने पकड़ लिया है, ये पुलिस का कहना है। जी बिल्कुल। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।